जो लोग अपने भीतर का एडवेंचर उजागर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप को जगह मिलनी ही चाहिए। इसी कैप्शन के साथ 5 जनवरी को पीएम मोदी ने अपने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। ये तस्वीरें पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की थी, लेकिन फिर इन्हीं तस्वीरों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे दो देशों के बीच विवाद खड़ा हो गया। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव में युवा मामलों के मंत्रालय के 3 उपमंत्रियों मरियम शिवना, मालशा शरीफ और महजू माजिद ने हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा के बाद भारत और पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जहां मंत्री मरियम ने पीएम मोदी को इसराइल से लिंक करते हुए ट्वीट किया तो महजूम ने टूरिज्म में बेहतर होने को लेकर निशाना साधा। लेकिन यहां मुद्दा ये था कि पीएम मोदी ने अपनी तस्वीरों में कहीं भी मालदीव का नाम नहीं लिया था। उन्होंने तो भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते भारतीय टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ कर बताया कि भारत ने भी कितने अच्छे बीचेस हैं। इसमें पीएम मोदी ने मालदीव का कहीं भी नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी मालदीव के इन तीनों मंत्रियों को पता नहीं क्या बुरा लग गया। जाहिर सी बात है, इसके बाद वही हुआ जो होना था, खूब बवाल। भारत सरकार ने इस बयान को लेकर मालदीव सरकार से जवाब मांगा और नतीजा ये हुआ कि मालदीव की सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड किया और साथ ही बयान भी जारी किया जिसमें कहा मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। ये राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसके बाद मालदीव सरकार ने एक और बयान जारी किया और कहा मालदीव सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है, लेकिन इसका प्रयोग जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए। खैर, ये विवाद सिर्फ निलंबन तक नहीं रहा। इस विवाद में जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर आम जनता ने मालदीव की जमकर फजीहत की, तो कई बड़े सेलिब्रिटीज़ ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप और भारतीय बीचेस के पक्ष में खूब माहौल बनाया। क्या नेता, क्या अभिनेता, सब ने सोशल मीडिया पर मालदीव को जमकर लताड़ा। हार्दिक पांड्या, रणवीर सिंह, वरुण धवन, अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जैसे कई सितारों ने मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाने को लेकर टिप्पणी की। नोट कीजिए, इसमें से कई सितारे ऐसे भी हैं जिनका सोशल मीडिया मालदीव के बीच पर क्लिक कराई तस्वीरों से भरा पड़ा है। खैर, इस सब के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हुआ बॉयकॉट मालदीव्स। बॉयकॉट मालदीव का असर ऐसा रहा कि मालदीव जाने वाले करीब 300 से 400 यात्री रोज अपनी फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं। देश के जाने माने ट्रैवल सर्विस पोर्टल ब्लू स्टार एयर ट्रैवल सर्विसेज के निदेशक माधव ओझा ने कहा, लोगों में मालदीव को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उनमें भारत के लिए देश प्रेम और अपने प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी सम्मान है। इसका असर दोनों देशों के बीच चल रही हवाई सेवाओं पर भी दिख रहा है। रोजाना करीब 300 से 400 लोग अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा रहे हैं। पर्यटन पर खासतौर से निर्भर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर इस बायकॉट का कितना बुरा असर पड़ रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए अपनी सभी बुकिंग्स को एक झटके में कैंसिल कर दिया। ईज माई ट्रिप के सह संस्थापक प्रशांत पिट्टी का कहना है कि हमारी कंपनी पूरी तरह से घरेलू और भारत में बनी हुई है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के सांसद की पोस्ट पर विवाद के बीच हमने फैसला किया है कि हम मालदीव के लिए कोई भी बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अयोध्या और लक्षद्वीप अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य बने। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 300,000 लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इस माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। इन सब के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की रिपोर्ट सामने आने लगी जिसमें दावा किया जाने लगा कि भारतीयों द्वारा मालदीव की करीब 8,000 होटल बुकिंग्स कैंसिल की गई। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स का वायरल होना भी शुरू हो गया है। कई लोगों ने अपने मालदीव ट्रिप को कैंसिल करने के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। दूसरी ओर घरेलू टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां अपने ग्राहकों को लक्षद्वीप यात्रा के लिए बम्पर डिस्काउंट ऑफर करने लगी हैं। मेक माई ट्रिप लक्षद्वीप की फ्लाइट पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। मेक माई ट्रिप की ओर से की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के बाद से उसके प्लेटफॉर्म पर इस लोकेशन और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स की सर्च में 3400% का इजाफा देखने को मिला है। देखिए, यहाँ ये तो मानना पड़ेगा मोदी जी इन्फ्लुएंसर अच्छे खासे हैं। अब बात कुछ आंकड़ों की कर लेते हैं।
भारत से 2 लाख से ज़्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के आंकड़ों की माने तो साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में करीब 2 लाख लोगों ने मालदीव की यात्रा की। ऐसे में यदि लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर सी बात है भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिसका विपरीत असर वहाँ की टूरिज़्म पर पड़ेगा। टूरिज़्म का असर मालदीव की इकॉनमी पर किस कदर पड़ सकता है, अब ये समझ लेते हैं। मालदीव की इकॉनमी टूरिज्म के दम पर टिकी हुई है, ये कोई छिपी बात नहीं है। यहाँ इकॉनमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से ही आता है, माने जीडीपी का करीब 25% हिस्सा। वहीं इनका रोजगार भी टूरिज्म पर निर्भर है। मालदीव में टूरिज्म सेक्टर से 70% लोगों को रोजगार मिलता है। अगर जानकारों के लगाए अनुमान को माने तो भारत के हाथ खींचने पर मालदीव की इकॉनमी पर करीब 15% ज्यादा असर पड़ सकता है। इन सब विरोधों के बीच सरकार भी इस मामले में एक्टिव है। सरकार ने मालदीव हाई कमिश्नर को तलब किया था। सबने तस्वीरें भी देखी कि मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं। सफाई देने के कुछ देर बाद वो वहां से रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी चिंता व्यक्त की। मालदीव के नेताओं ने भी इस मामले में अपनी सरकार की आलोचना की है। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच अब तक रिश्ते कैसे रहे। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। भारत और मालदीव आपस में मानवीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं। 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत था। 1965 से ही सैन्य, रणनीतिक, पर्यटन, आर्थिक, औद्योगिक, चिकित्सकीय और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए मालदीव भारत पर आश्रित रहा है। 1976 में समुद्र क्षेत्र से जुड़ी संधि के तहत भारत मालदीव ने अपने समुद्र सीमा क्षेत्र तय किए। दोनों ही सार्क के संस्थापक सदस्य भी हैं। 1981 में दोनों ने मुक्त व्यापार समझौता किया। दोनों देशों के रिश्तों में सबसे अहम योगदान सैन्य सहयोग कर रहा है। इसमें नवंबर 1988 के ऑपरेशन कैक्टस की अक्सर चर्चा होती है, जब श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन संगठन और मालदीव के विद्रोहियों ने 80 सशस्त्र लोगों के साथ देश का तख्ता पलट करना चाहा और राजधानी माले पर कब्जा करने में सफल भी रहे। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मदद देने से इनकार कर दिया। अमेरिका मदद देने को राजी था, लेकिन उसमें 2-3 दिन लग सकते थे। फिर क्या था, मालदीव को भारत में मित्र नजर आया और भारत से मांगी गई मदद का तुरंत जवाब भी मिला। भारत ने 16 घंटे के भीतर 500 सैनिकों के साथ ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया। इस ऑपरेशन में कुछ घंटे लगे, माले को वापस कब्जे में ले लिया गया। इस ऑपरेशन में भारत के कई सैनिकों ने बलिदान भी दिया और ये कोई इकलौता मौका नहीं था जब भारत मालदीव के साथ खड़ा नजर आया। इतिहास में ऐसे कई मौके हैं, जैसे 2004 की सुनामी, 2014 के जल संकट में भी भारत ने ही मालदीव को सबसे पहले मदद पहुंचाई। वहीं 2018 में भारत ने मालदीव को 140 करोड़ डॉलर का आर्थिक सहयोग दिया था। यही नहीं, 2018 से 2022 में मालदीव से 87,000 लोग भारत में इलाज कराने आए, जो 5.15 लाख आबादी वाले देश का एक बड़ा हिस्सा है। मालदीव के स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत ने कई बार मदद का हाथ भी बढ़ाया है। 2020 में मालदीव को चेचक के 30,000 टीके मुहैया करवाने वाला भी भारत ही था। कोरोना काल में तो भारत ने कई देशों को मदद पहुंचाई थी, उसमें एक मालदीव भी था। भारत ने कोरोना काल में वैक्सीन से लेकर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उनको दी। वहीं खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 2023 में मालदीव को 4,000 करोड़ डॉलर मुहैया करवाए थे। तो बात आती है कि जब दोनों देशों के इतने अच्छे संबंध थे तो कड़वाहट कहाँ से आई। दरअसल मालदीव में 9 और 30 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव में पीपल्स नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार और माले के मेयर मोहम्मद मोइजू ने भारत समर्थक और निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहली को हराया और मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति बने। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान मोइजू की पार्टी ने इंडिया आउट नाम से अभियान चलाया था। इसमें वहां मौजूद करीब 70 भारतीय सैनिकों को भी वापस भेजने का चुनावी वादा शामिल था। सोली की हार के साथ ही आशंका जताई गई थी कि भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं। चुनाव से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा भी था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन और मालदीव के रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा। मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद जैसा सोचा था वो हकीकत होने लगा। इसका पहला उदाहरण तब देखने को मिला जब नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद मोइजू के कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि सरकार ने भारत देश से अपनी सैन्य मौजूदगी वापस लेने के लिए कहा है। यहीं से दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्तों में कड़वाहट आ गई।
वापस लौटते हैं भारत या कह लें उस लक्षद्वीप जिसकी खूब चर्चा हो रही है और ये समझते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव में कितना अंतर है। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप है। केरल के कोची शहर से इसकी दूरी 440 किलोमीटर है, मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, इसका कुल क्षेत्रफल महज 32 किलोमीटर है। ये मालदीव के मुकाबले 10 गुना ज्यादा छोटा है। केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी 60,000 के करीब है और यहाँ 96% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 36 में सिर्फ 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, बाकी के द्वीपों पर रहने वाला कोई नहीं है। भारत से मालदीव की फ्लाइट कनेक्टिविटी काफी अच्छी मानी जाती है। लगभग सभी प्रमुख शहरों से मालदीव पहुंचा जा सकता है। भारतीयों के लिए मालदीव वीजा फ्री भी है। यही वजह है कि पिछले साल 2,00,000 से ज्यादा भारतीय मालदीव घूमने गए। यहाँ 3-स्टार होटल की एक दिन की कीमत 5,000 रुपये से शुरू होती है। ये हो गई मालदीव की बात। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ फ्लाइट कनेक्टिविटी से लेकर पर्यटकों के लिए व्यवस्थाओं में धीरे धीरे इजाफा हुआ है। पहले की बात करें तो लक्षद्वीप की कमाई का जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती रहा है, मगर हाल के सालों में यहाँ पर्यटन उद्योग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बताया जाता है कि पिछले साल यहाँ 25,000 लोग घूमने के लिए पहुंचे। हवाई मार्ग से लक्षद्वीप जाने के लिए सिर्फ एक हवाई पट्टी है जो अगाट्टी में है। इसकी कनेक्टिविटी कोची से है। लक्षद्वीप के बाकी के द्वीपों पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ एक बात कहना जरूरी है कि लक्षद्वीप में कनेक्टिविटी को लेकर अभी भी काफी काम की जरूरत है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं लक्षद्वीप जाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले लोगों को कोची जाना होता है, इसके बाद ही लक्षद्वीप का सफर किया जा सकता है। लक्षद्वीप जाने के लिए लोगों को प्रशासन के जरिए परमिट हासिल करना होता है। यहाँ के कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ लोगों के जाने की मनाही है, इसके लिए आपको सरकार से बाकायदा परमिट लेना पड़ता है। ज्यादातर वक्त यहाँ तापमान 22 से 36 डिग्री रहता है। कवराट्टी आइलैंड, लाइट हाउस, जेटी साइट, मस्जिद, अगट्टी, कदमत, बंगारम, थिन्नाकारा उन जगहों में शुमार है जहां लोग घूमने आते हैं। दिसंबर से फरवरी का महीना यहां पर्यटकों से भरा हुआ रहता है। मालदीव का कोई भी द्वीप समुद्र तल से 6 फुट से अधिक ऊंचा नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते जलस्तर की नज़र से मालदीव पर खतरा भी बना रहता है। अगर आप कोची से मालदीव जाना चाहते हैं तो टिकट फिलहाल 10,000 से ज़्यादा का है और जाने में वक्त लगेगा लगभग 2 घंटे। कोची से लक्षद्वीप जहाज के जरिए 14 से 18 घंटों में पहुंच सकते हैं। मालदीव की तरह लक्षद्वीप में भी सफेद रेत बीच हैं। यहां जाने के लिए सबसे सही समय मई से सितंबर के बीच बताया जाता है। अंत में आपको खुद तय करना है कि आप कहां जाना चाहते हैं। बाकी ये पूरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।